हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी स्टेट की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे TGT, PGT, KVS, NVS, ALT, TET, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं। जैसा कि आपका 25 अप्रैल को आपका MPTET फिजिकल एजुकेशन वर्ग 1, 1, 2 आपका होने वाला है, टाइम बहुत कम है, तो वीडियो मेरे चैनल पे प्रैक्टिस लगाने के लिए डेली बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है, तो प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसको हम कहते हैं अनैच्छिक। जैसे कि दोस्तों, जो प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वो अनैच्छिक या प्राकृतिक होता है। जो रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव थे, इन्होंने इस प्रक्रिया की खोज की थी। उन्हें असंबद्ध संकेत यानी नेचुरल सिग्नल यानी प्राकृतिक सिग्नल और वाह्य वातावरण जैसे कि भोजन रखना एक साथ करके कुत्ते के साथ प्रयोग किया। अर्थात जब भी भोजन रखते और उसी समय असंबद्ध संकेत रख देते, असंबद्ध संकेत के रूप में घंटी बजाकर आवाज उत्पन्न करते, और बार बार यही क्रिया दोहराने पर देखा गया कि जब भोजन नहीं भी रखा गया, केवल घंटी बजाया गया, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अर्थात यह एक अनैच्छिक क्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी चीज को सीखने का मेन रीढ़ है अभ्यास, प्रैक्टिस। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बना सकती है। तो किसी भी कौशल को सीखने का रीढ़ किसे समझा जाता है? अभ्यास को। नेक्स्ट है, नैतिक उम्र क्या है? यहाँ पे नैतिक उम्र का सेंस है दोस्तों, जैसे कि जो हमारा उम्र ज्ञात करने की मनोवैज्ञानिक तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की चार विधियां हैं, जिसमें से आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नैतिक उम्र क्या है। तो जो नैतिक उम्र है वह है आपका वर्ष, महीना और दिनों में उम्र, यानी कि मनोवैज्ञानिक तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु को ज्ञात करने का चार मेथड है। कालक्रम वायु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरा एनाटॉमिकल एज, तीसरा फिजियोलॉजिकल एज यानी कि शरीर क्रियात्मक आयु, और चौथा मानसिक आयु यानी मेंटल एज। तो जो कालक्रम आयु होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, उसमें जन्म से लेकर वर्षों, महीनों, दिनों में इसको मापा जाता है, और इसको कैलेंडर वायु आयु के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा आपका होता है एनाटॉमिकल एज यानी कि शरीर रचना आयु, इसमें आपका ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कि कंकाल तंत्र यानी अस्थियों की परिपक्वता पर आधारित करके आयु ज्ञात किया जाता है, जैसे कि दांतों की गणना करके अपना स्कैपुला अस्थि के आधार पर, दाहिने हाथ के रेडियल बोन का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। तीसरा होता है दैहिक आयु यानी कालक्रमिक शारीरिक क्रियात्मक आयु, जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं। इसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बालक बालिका में, उसके आधार पर आपका आयु ज्ञात किया जाता है। और चौथा होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, इसमें मानसिक परीक्षण किया जाता है, जैसे कि आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का शुद्ध है, आयु की क्षमता ज्ञात करने का मानसिक आयु अपान कालक्रमिक आयु गुणे 100, यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो इस प्रकार से
आयु ज्ञात करने की चार विधियां हैं, जिसको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ खेल मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज को देख करके डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसे बाद में सुधार करना असंभव है। तकनीकी रूप से इसे क्या कहते हैं? तो सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसे बाद में सुधार करना असंभव है। तो तकनीकी रूप से हम इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस अवस्था को कहा जाता है प्लेटो। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लेटू यानी पठार। प्लेटू यानी पठार। दोस्तों जैसा कि सीखने के वक्र के तीन प्रकार होते हैं, ऋणात्मक प्रगति सूचक, धनात्मक प्रगति सूचक और मिश्रित यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। जो ऋणात्मक प्रगति सूचक होता है उसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद होती है, यानी कि जहां कार्य आसान होता है या पहले से उसके बारे में अनुभव हो उसमें होता है ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र। जो धनात्मक प्रगति सूचक वक्र होता है यानी पॉजिटिव जो प्रगति सूचक वक्र होता है उसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है और बाद में तीव्र होती है, यानी कि यहाँ अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है, यानी कि सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति इसमें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र यानी कि सी टाइप, यह देखने में यश जैसा दिखाई होता है, दिखा देता है, इसे सी वक्र या द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे यश वक्र भी कहते हैं। इसे निश्चित वक्र में क्या होता है यश वक्र में कि प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाली क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति के आधार पर घटता बढ़ता किसी भी प्रकार का शक्ल ले सकता है। और एक स्टेप आता है जो प्लेटू यानी सीखने में पठार जो होता है, यानी कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती है, यानी कि जो सीखने की प्रगति होती है कुछ समय के लिए एकदम रुकी हुई दिखाई देती है। वक्र की जो रेखा होती है न नीचे जाती है न ऊपर जाती है, सीधे सपाट रूप में जाती है, तो इसको प्लेटू कहते हैं। नेक्स्ट है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास अधिक तेज होता है किस उम्र में दोस्तों? तो यह होता है 13 से 19 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, ज्ञान का नियम किसने दिया? तो इसको दिया थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, पुनर्निवेशन पद्धति है। तो जो पुनर्निवेशन पद्धति है यह नौसिखियों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं। तो 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं परवर्ती बचपन, जिसे एडोलेसेंस, इसको प्यूबर्टी एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है क्या है? ज्ञान में व्यक्तिगत घटक क्या है? परंपरागत घटक है कि मनोवैज्ञानिक घटक है कि कौशल घटक है? तो उपरोक्त सभी है, ये सभी ज्ञान में व्यक्तिगत घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो सीखना है वो परिपक्वता यानी कि मैच्यूरेशन पर, मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक विकास किसके दौरान होता है? तो जो तरुणावस्था यानी कि किशोरावस्था के पहले जो होता है तरुणावस्था, किशोरावस्था के बाद तो जो तरुणावस्था होता है उसमें मनोवैज्ञानिक जो विकास होता है उस दौरान ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्णन
किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो किशोरावस्था के दौरान अभिजात वर्ग से ज्यादा ज्यादा व्यक्ति प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, इसको आपको सुमिलित करना है। सूची 1 व 2 में पीछे दिए गए वाक्य को सुमिलित कीजिए। तो इसमें है आपका राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या है दोस्तों? या प्रतियोगिता है, ठीक है। राउंड रॉबिन क्या है? प्रतियोगिता है। एंड काइफोसिस क्या है? ये बॉडी पोस्चर डिफेज है, यानी कि आसन है। परकुशन क्या है? एक मालिश है। स्टर्नम क्या है? एक हड्डी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुबड़ को और किस रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों कुबड़ को हम घुमावदार कंधा के नाम से भी जाना जानते हैं। जैसे कि जो कुबड़ होता है, जिसे काइफोसिस बोला जाता है, यह होता क्या है? यह पीठ जो है पीछे की ओर निकल जाता है, जिसे कुबड़ापन या कुब्जता भी कहते हैं। इसको काइफोसिस, राउंड बैक, हंच बैक, घुमावदार पीठ एंड घुमावदार कंधा आदि के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कौन कौन सी विकृतियां होती हैं दोस्तों? एक होता है लार्डोसिस, जिसको जिसमें हमारा कमर जो है वो गड्ढे जैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। इसको हम लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट आदि नाम से भी जानते हैं। एंड एक होता है आपका स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है? इसको मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। इसमें मेरुदंड जो स्पाइन होती है उसका एक ओर झुकना झुक जाता है, यानी कि शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है। यानी कि इसमें दो प्रकार की आकृति बनती है, एक सी एक एस। जो सी बनती है उसको सिंगल स्कोलियोसिस बोलते हैं, जो एस होता है उसको डबल स्कोलियोसिस बोलते हैं। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका होता है फ्लैट फुट एंड पंजा पाव, यानी कि क्लेट फुट। फ्लैट फुट जो होता है, फ्लैट मतलब समतल, ठीक है। फ्लैट फुट को हम पेस प्लैनर्स भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्लैट फुट में क्या होता है? जो हमारा तलवा होता है एकदम बराबर होता है, यानी कि खड़े होने पर एकदम जमीन में सट जाता है, कोई वक्र नहीं बनता है पंजे में, चलने पर पंजे बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसे फ्लैट फुट कहते हैं, यानी प्लेस पैरस भी कहते हैं। और दूसरा एक होता है पंजा पाव यानी क्ले फुट, जिसे पेस कैवस भी बोलते हैं, जिसे हालो फुट भी कहते हैं, क्ले प्लॉज भी कहते हैं। यह फ्लैट फुट के विपरीत होता है, यानी कि पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं। यानी जैसे फ्लैट फुट में आपका होता है कि कोई कर्व नहीं बनता है, जब संपन्न हो जाता है, जबकि क्ले फुट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, यानी कि पशुओं की खुर की तरह जस्ट उल्टा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्लैट फुट का दूसरा नाम पेस पैलेनस है, और क्ले फुट का दूसरा नाम पेस कैवस है, और हालो बैक, हालो फुट और क्ले पॉज है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। एंड इन्होंने ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान, 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोमोर्फ की विशेषता क्या है? तो दोस्तों सेल्डन ने एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ इन तीन भागों में बॉडी टाइप्स को बांटा है। इसमें से एंडोमोर्फ की विशेषता है शिथिल एंड वसायुक्त शरीर, शिथिल एंड वसायुक्त शरीर एंडोमोर्फ का है। तो एंडोमोर्फ को डिस्ट्रोटोनिक भी बोला जाता है, गोलकाय शरीर। एंड दूसरा है इसका मेसोमोर्फ,
मेसोमोर्फिक की पेशी प्रधान संरचना होती है यानी कि सुडोलकाय शरीर होता है, इसको सोमेटोटोनिक भी बोला जाता है। इसमें सभी चीजें एकदम परफेक्ट होती है यानी अस्थि पंजर और पेशियां विकसित होती है, स्वस्थ अच्छा वदन फुर्तीला होता है, साहसी उत्साही निरर सशक्त अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति होता है, कठिनाई में अधिक सक्रिय होते हैं और ताकत चपलता तथा चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। और जो तीसरा प्रकार होता है एक्टोमोर्फिक, जिसको सेरेब्रोटोनिक भी बोला जाता है, प्रमस्तिक प्रधान। इसमें लंबा दुबला कमजोर सुंदर शरीर होता है और एकांत प्रिय और सामाजिक व अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, जो अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं और दूसरों की सहायता लेने में अपनी अपेक्षा सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। और इसमें सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। एंड दोस्तों, ये तो आपके सेल्डन का वर्गीकरण था, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। एंड एक है क्रेस्मर। क्रेस्मर तीन बड़े टाइप में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक। एंड एक चौथा है इनका डायस्प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान उनको होना चाहिए? तो दोस्तों, शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग होना, शक्ति का अवशोषण होना, इन सभी चीजों का उनको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? तो टाइप बी प्रकार का नहीं होता, ए प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है व्यक्तित्व को वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो इसमें यही संबंध है कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वह शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। तो जो दोस्तों, जो व्यक्तिगत भेद होते हैं वो वंशानुक्रम वातावरण दोनों के प्रभाव से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविरोध से आप क्या समझते हैं? तो यह एक वैयक्तिक आनंद है, मनोविरोध, हंसी मजाक करना। नेक्स्ट, 11 से 14 की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं, तो इसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। 11 से 14 आयु यानी कि किशोर अवस्था के पूर्व की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमोर्फ का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, मेसोमोर्फ का तात्पर्य है एथलेटिक, यानी कि जिसे आप सेल्डन का जो है एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक जो विशेषता है, वही विशेषता आपका क्रेस्मर के पिकनिक, एथलेटिक एंड अस्थैनिक का है। इसलिए वैसे आप याद कर सकते हैं। तो यानी कि जो विशेषता सेल्डन के एंडोमोर्फिक का है, वही विशेषता क्रेस्मर के पिकनिक का है। जो विशेषता सेल्डन के मेसोमोर्फिक का है, वही विशेषता क्रेस्मर के एथलेटिक का है। जो विशेषता सेल्डन के एक्टोमोर्फिक का है, वही विशेषता क्रेस्मर के अस्थेनिक का है। तो आप केवल प्रकार याद कर लीजिए, उसकी विशेषता दोनों का सेम है। नेक्स्ट है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है, तो यह है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार का के खेल में आता है? तो दोस्तों, वीरता एक भावनात्मक चीज हो गया, संवेगात्मक चीज हो गया, तो यह संवेगात्मक खेल बोला जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु। तो दोस्तों, ये सभी कारक जो है वो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आया जिसमें से तीनों सही हो और इनमें से कोई नहीं लिखा हो, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो उसमें आपको बच्चों की शारीरिक क्षमता कैसा है, दक्षता कैसा है और उसकी आवश्यकता क्या है, इस पर विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को प्रभावित करता है? तो दोस्तों वृद्धि को प्रभावित इसमें से करता है लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वृद्धि का मतलब वो लंबाई और वजन में परिवर्तन होता है, इसको मापा जा सकता है, जबकि विकास का जो विकास नहीं मापा जा सकता है, जैसे कि यही आप एंटर से ज्ञात कर सकते हैं। और जो वृद्धि होता है एक निश्चित समय तक होता है, जो विकास होता है जीवन प्रयत्न होता है। नेक्स्ट, सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो दोस्तों सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये तीन प्रकार बांटे हैं। एंड क्रेसमैन ने बांटा है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, डायस्प्लास्टिक। एंड वहीं पे दोस्तों आपका जो हिप्पोक्रेटस है, उन्होंने चार प्रकार में बांटा है, उसको बांटा है कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। एंड क्रेसमैन ने एंड जो स्पेंसर है, ये छह भागों में बांटा है। कार्ल यंग ने दो भागों में बांटा है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वंशानुक्रमीय वातावरण। नेक्स्ट है, किन तीन व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षक दूसरों से अलग प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की सक्षमता के कारण अन्य शिक्षक से एक अलग होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। क्या शामिल है? शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। तो उपयुक्त सभी शामिल है। एक व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए शारीरिक और मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, 9 से 11 वर्ष वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको परवर्ती बचपन यानी कि प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अभी निम्नलिखित में कौन सी पीड़ा की तकनीकी नहीं है? तो यहाँ पे पुरस्कार एवं दंड दोनों पीड़ा की तकनीकी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ा की विधियां है। रुचि, किसी चीज में आपकी रुचि है तो आप उसको करने की और प्रेरित होंगे, और किसी चीज में आपको सफलता मिल रही है तो भी सामूहिक कार्य, ये सभी क्या है? पेड़ा की विधियां है। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो इसके प्रवर्तक है थार्नडाइक, यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत को ही कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको याद रखिएगा। और थार्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर यानी कि सिद्धांत दिया है, एंड पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, एड्स जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, एंड जो स्किनर है उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, स्किनर के सिद्धांत को अनुकूलित सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। एंड कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है? फ्रस्ट्रेशन यानी चिंता का कारण है आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाने के कारण उसे खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, खेलों की संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है, यह है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? तो ये सबसे ज्यादा किसी कौशल को देखना, देखकर आदमी उत्सुक होता है, प्रेरित होता है, तो प्रेरणा को कौशल को देखना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो यहाँ पे भूख प्यास नींद जो है जन्मजात प्रेरक है, जबकि आदतें जो है वो अर्जित की जाती है, बाद में सीखा जाता है, तो ये जन्मजात नहीं है। जैसे कि प्रेरणा दो प्रकार का होता है, जन्मजात और अर्जित। नेक्स्ट है कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो प्रेरणा दोस्तों दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, जन्मजात और अर्जित। नेक्स्ट है, इग्नी से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो इग्नी से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो उद्गार का सिद्धांत, जो सहज क्रियाएं हैं, जो आंतरिक प्रेरणा है, वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है, जो खेल प्रेरणा होता है वो संस्कृति की पूर्व स्थिति होती है। नेक्स्ट है, तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य है। तो दोस्तों, जो तनाव यानी खिंचाव होता है वो अक्सर नृत्य करने वाले या व्यायाम करने वाले में ज्यादा होता है, जो अधिक आवश्यकता से अधिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, तनाव से संबंधित यह सभी स्थितियां होती है सिवाय किसके? तनाव यहाँ पे चिंता का आस्था है, यहाँ पे तनाव जब होता है तो उच्च रक्तचाप हो जाता है, पाचन अल्सर होता है, दिमागी रोग हो जाता है रक्तक्षीणता को छोड़कर। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती है? तो दोस्तों, छोटे बच्चों में तो आंतरिक प्रेरणा दुख सुख ये होता है, बहिरस्थ प्रेरणा काम नहीं करती है। नेक्स्ट है, मनोभावों को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो मनोभावों को विचलित के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को निराशा की भावना है। तो खिलाड़ियों की निराशा की भावना का कारण है समानता आकांक्षा और क्षमता के स्तरों में अंतर होने से खिलाड़ियों में निराशा की भावना हो जाती है। नेक्स्ट है, खेल इस प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है। तो खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है चिंता। मध्यम चिंता आपका सही है, बट चिंता अच्छा बात नहीं है किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट है, एकाग्रता यह इसका सबसे करीबी रास्ता है। तो एकाग्रता जो है ध्यान से आती है, सबसे करीबी रास्ता है इसका, एकाग्रता किससे आती है? ध्यान से आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अंतरस्थ प्रेरणा है? तो अंतरस्थ प्रेरणा कौन है दोस्तों? खेल, तरक्की, पुनर्निवेशन, ये जो है वह प्रेरणा है, जबकि खेल में दिलचस्पी जो है वह अंतरस्थ प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा। तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे इसी तरह की प्रैक्टिस करने के लिए, और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए।
तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।